नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन हमने छांट के तैयार किए जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? नंबर फर्स्ट गंगा, नंबर सेकंड यमुना, नंबर थर्ड ब्रह्मपुत्र, नंबर फोर्थ नर्मदा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें तो गंगा को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो बता दें शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथराई बांध। तो गोकुल बैराज परियोजना जो है हमारी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा। तो जो हथनी ये हमारी जो है हथनी कुंड परियोजना जो है यमुना नदी पर स्थित है। किस पर है? यमुना नदी पर स्थित है। चलिए पांच क्वेश्चन हमने पढ़े, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है हमारी पेयजल परियोजना है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा जी को किया गया है। नेक्स्ट, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना पर। कहाँ पर स्थित है? यमुना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। तो माता टीला परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। किस पर है? बेतवा नदी पर। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बेतवा। तो राजघाट बांध जो है ये यमुना पर, यही एक गलत है। ये बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद पर। जो हमारा इसमें सम्मिलित नहीं है वो राजघाट बांध जो है ये सम्मिलित नहीं, ये गलत है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर साई, कौसम्बी यमुना। तो तीन शहर हैं, बिठूर गंगा जी के पास और गोरखपुर के पास राप्ती नदी बहती है, कौसम्बी में यमुना बहती है, जौनपुर में साई। यही हमारा गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है? यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। तो इसमें बता दें आपको किस पर बनाया जा रहा है? बेतवा पर बनाया जा रहा है, बेतवा नदी पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो राजघाट बांध जो है बनाया गया है। कौन सा बनाया गया? राजघाट बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो
कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती। तो बेतवा पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रताप प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? रिहंद, टोंस, वेलन, सोन। तो ये हमारा जो 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रताप प्रदेश की किस नदी पर है? टोंस में है। किस पर? टोंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रहन, रामगंगा। तो बता दें कि रामगंगा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? रामगंगा। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल जो है नदी है हमारी, जो अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, नंबर दो शारदा, नंबर तीन गंडक और नंबर फोर है सरयू। तो शारदा जो है हमारी नदी, ये क्या बन जाती है? घाघरा, मतलब जो है ये घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी? शारदा। निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? कौन सी है? शारदा। एक बार अपने सारे क्वेश्चनों को रिविजन कर लेते हैं, जिससे एक बार रिपीट करने से दिमाग में बैठ जाएंगे साइड एक्स। नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो गंगा जी को। ठीक है, पहले का आंसर है गंगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा को। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा। तो यमुना पर है। कहाँ पर है? यमुना में। माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। माता टीला परियोजना है हमारी बेतवा नदी पर। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो राजगाड बांध जो है यमुना नदी पर नहीं है, यही सुमिलित नहीं, बाकी सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो जौनपुर के पास साई नदी नहीं बहती है, बाकी बिठूर के पास गंगा, गोरखपुर के पास राप्ती, कौशाम्बी के पास यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। तो इसका सही आंसर जो है आपके लिए बता दें कि इसमें बेतवा पर बनाई जा रही। कहाँ पर? बेतवा पर। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो इसका कौन सा आंसर है? राजघाट बांध। ठीक है। फुलहर, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा पर। कहाँ पर? बेतवा पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रताप प्रदेश की किस नदी पर है? तो ये है टोंस नदी पर। कहाँ पर? टोंस। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी का। किसका है? चंबल नदी का। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो शारदा जो है नहर है, शारदा नदी जो है घाघरा नदी के रूप में बन जाती है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप
चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।